आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि अपनी त्वचा दमकती जवा रहे, और इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अपने आहार में शामिल करें ये कुछ चीजें। नींबू जो है विटामिन सी, बी और फॉस्फरस जैसे पोषक तत्वों से भरा होता है। नींबू शरीर में जमा हानिकारक तत्वों को भी बाहर निकालने में मदद करता है और इससे त्वचा भीतर से भी स्वस्थ और चमकदार बनती है। इसी के साथ आप जो है नींबू के साथ साथ आप खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। खीरा जो होता है उसमें बहुत से विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। खीरे में पानी भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे त्वचा की नमी बरकरार रहती है। एविकोडो में ल्यूटीन और बीटा कैरेटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं जो त्वचा की मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इसी के साथ एलोवेरा तो हमें पता है कि हर किसी के घर में भी देखा जाता है। एलोवेरा में विटामिन ए, बी, सी और ई फॉलिक एसिड होता है। इससे त्वचा के लिए ये पूरे एसिड्स और ये जो विटामिन होते हैं ये पूरे जो है फायदेमंद होते हैं। एलोवेरा का जूस सेवन करने से भी त्वचा में स्वाभाविक निखार आता है। और इसी के साथ जो होता है जैतून का तेल जो होता है विटामिन ए और विटामिन ई और एलोइक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। और हमें पता है कि विटामिन ई तो है हम मतलब स्किन के लिए विटामिन ई की कैप्सूल्स है, विटामिन ई के लोशंस है, ऐसे हम लगाते रहते हैं। और अगर आप जैतून का तेल लगाते हो तो इसमें आपको विटामिन ए और ई एक साथ ही मिल जाता है। और त्वचा के लिए जो ये विटामिन ए और ई होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे त्वचा जो है मुलायम और चमकदार होती है। तो इस सब का इस्तेमाल करके देखें। हालांकि आप सभी को पता होगा कि त्वचा चमकदार कैसे मतलब चमकदार रहे इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन ये भी उपाय करके देखिए। और अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिए।